बिहार हालांकि दूर है, मैं आपको उतनी ही दूर ले जाना चाहती हूँ। क्या घोषित कीजिएगा महिला संवाद यात्रा, अब नीतीश कुमार निकलेंगे, क्या वादा करेंगे महिलाओं से? 44 पर 43 पर सिमट गई पार्टी। गरिमा जी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी वोट की चिंता नहीं करते हैं। उनकी चिंता है काम और बिहार को आगे ले जाना, वो उसकी चिंता करते हैं। और हमारे नेता तो पूर्व में भी कई बार यात्रा में, हर वर्ष वो ठंड के समय ही निकलते हैं यात्रा में, और इस बार भी निकल रहे हैं महिला संवाद यात्रा। तो पूर्व में भी वो महिला संवाद यात्रा पर एक बार निकले थे तो बिहार की महिलाओं ने उनसे मांग किया था, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी लागू करिए, शराबबंदी करिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनके मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू किया। कई लोगों ने उनका विरोध भी किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आलोचना भी झेला, लेकिन बिहार के महिलाओं को मांग कर लेकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी की। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए इतना काम किया है, जो बिहार की महिलाएं पहले घर से निकल नहीं पाती थी, आज पंचायतों में आरक्षण 50%, नगर चुनाव में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, आज जीविका जो पूरे बिहार में लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई है, महिलाओं के लिए चाहे लड़कियों को पोशाक योजना, साइकिल योजना, उन्हें 10वां पास करने पे छात्रवृत्ति, इंटर पास करने पे 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं के पैरों में जो बेड़ियां लगी हुई थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनकी बेड़ियों को खोल दिया। और उसके बावजूद पर कैपिटा इनकम में राष्ट्रीय औसत से पर कैपिटा इनकम में बिहार कोसों दूर है। बीमारू राज्य है, गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है। गरिमा जी जिस वक्त हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, बिहार को क्या कहा जाता था? बीमारू राज उस समय कहा जाता था। अपराध, भ्रष्टाचार, लूट के लिए बिहार जाना जाता था। बिहार का नाम सुनने के बाद ही लोगों में एक दहशत का माहौल होता था। आज हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को खड़ा किए, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, हर क्षेत्र में, मैंने वही बोला कि जो महिलाएं घर से निकल नहीं पाती। अच्छा मनीष जी, ये बता दीजिए ना जरा मुझे और दर्शकों को भी, कर रही है। हाँ मनीष जी, ये बता दीजिए दर्शकों को कि ये बड़ा आसान तरीका हो गया क्या, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसे दे दो और वोट ले लो। देखिए हमारे नेता बड़ा आजमाया हुआ है, तो नीतीश कुमार भी क्यों हमारे नेता, नहीं नहीं हमारे नेता, हमने तो कहा कि हमारे नेता लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, स्वयं सहायता ग्रुप क्रिएट किया, जीविका, ठीक है। तो हमारे नेता इसमें विश्वास करते हैं कि बिहार के तरक्की के साथ साथ उनका कैसे उत्थान हो और अपने उत्थान से बिहार का कैसे तरक्की हो, इसमें विश्वास करते हैं और इसके लिए वो काम करते हैं, ठीक है।